तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके जीने मरने से बहुत सारे चेंज हो गए, कहीं ना कहीं सल्तनतें बदल गईं। हम बात कर रहे हैं इब्राहिम लोदी की, क्योंकि इब्राहिम लोदी वो व्यक्ति है जिसके कारण एक सल्तनत का खात्मा हो जाता है जो थी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के खात्मे के साथ ही नई सल्तनत की शुरुआत होती है जिसको कहते हैं मुगलिया सल्तनत या मुगल सल्तनत। ठीक है, सो मुगल सल्तनत की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। मुगल सल्तनत किसके द्वारा चालू हुई? बाबर के द्वारा। और बाबर ने हराया किसको? इब्राहिम लोदी को। और ये आखिरी व्यक्ति है लोदी वंश का जो कि किसका उत्तराधिकारी हुआ करता था? सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में हो गई थी गले की बीमारी के कारण। और ये तब, अब देखो सिकंदर लोदी के साथ क्या था कि उनके दो बेटे थे, ज़्यादा नहीं हो पाए, जैसे इनके पिताजी के 9 बेटे थे, इनके 2 बेटे थे। और दो बेटों में एक तो भैया ये हैं इब्राहिम और दूसरे हैं जिनका नाम है जलाल। क्या नाम है? जलाल। तो भैया सिकंदर जो थे समझदार व्यक्ति थे, अपने जाते जाते इनने अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का बंटवारा 2 भागों में कर दिया था। ठीक है, साफ सुथरे तौर पे इब्राहिम लोदी को दिल्ली और जलाल को जौनपुर दे दिया था। इनकी मृत्यु के बाद हुआ भी कुछ ऐसे, इब्राहिम बहुत अच्छा व्यक्ति बन के रहा और उसने क्या करा, अपने भाई को दे दिया जौनपुर और आसपास का क्षेत्र और दिल्ली में ये खुद बैठ गए। लेकिन इनका साल भर बाद दिमाग चटकने लग गया। साल भर बाद दिमाग चटका, 1518 के आसपास ही अपने भाई को मार देते हैं और खुद पूरी सत्ता हथिया लेते हैं अपने हाथों में। पूरी की पूरी सत्ता जो दिल्ली सल्तनत की थी वो किसके हाथ में आ गई? इब्राहिम लोदी, क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हुआ करता था इब्राहिम लोदी। इतना खराब व्यक्ति था कि अपने लोगों से ही निपटती थी। और इसी का एक रीजन यही हुआ कि इनके जो चाचा थे जो सिकंदर के भाई हुआ करते थे जिनका नाम है आलम खां, सो आलम खां बहुत अच्छे से शांति से बैठे हुए थे, सब कर रहे थे। लेकिन इब्राहिम को पता नहीं कौन सा उलझुल दिमाग में आता है, ये इनको घर से उठा के कहते जाओ पंजाब चले जाओ। अब पंजाब चले जाओ, सामने वाला बूढ़ा आदमी है, अच्छी खासी उसकी जा रही है, आखिरी कबर में लटकी हैं टांगे, और वो सोच रहा है कि बहुत चैन से अपनी ज़िंदगी गुजर जाए तो क्या खराब है। नहीं, ये नहीं मान रहे, ये कह रहे तुम जाओ निकलो। अब चटक जाते हैं भैया कि ये ऐसे तो मान नहीं रहे, बेज्जती करे जा रहा है। सो बस बुला लिए किसको? बाबर को, कि भैया आओ तो जरा इसको फोड़ दो यार, इसको फोड़ दोगे हम तो जा ही रहे हैं, ये और फूट जाए हमें कोई समस्या नहीं। तो वही सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा लोदी ओदी अफगान जो भी लोग थे, जैसे दौलत खां लोदी थे उस समय के पंजाब के सूबेदार, ठीक है, सो दौलत खां लोदी हो गए। इनके और विरोधी थे भैया, और विरोधी क्या, देखो यार इनके पिताजी जो थे सिकंदर ने सर की साम्राज्य खत्म करके यहाँ पे, सर की मतलब जौनपुर के आसपास वाला क्षेत्र अपने साथ में ला लिया था, और सर की वंश तो समूल नष्ट कर दिया था, पूरा खत्म कर दिया था। ठीक है, सो अब कोई समस्या तो थी नहीं। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि राजपूताना बहुत तेजी से उभर रहा था। राजपूताना में उस समय कौन हुआ करते थे? बहुत अच्छे से नाम आपने सुना होगा, राणा संग्राम सिंह, जिनको हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, और इनकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, सो संग्राम सिंह यानी राणा सांगा, इनने भैया बहुत उत्पात मचा के रखा था, अच्छे अच्छे को फोड़ रहे थे, और इनको भी भंवर फोड़ा है, ऐसी बात नहीं है, इनको भंवर फोड़ा, भागा भागा के मारा है। ठीक है, 1518 के ही आसपास की बात है, खातौली का युद्ध होता है, और खातौली के युद्ध में आगरा के आसपास की जगह है, वहाँ इनको भगा भगा के मारते हैं। हालांकि गलती के साथ साथ क्या होता है, इधर राणा सांगा का एक हाथ भी चला जाता है, बिल्कुल समूल खत्म हो जाता है, लेकिन वो युद्ध में जीत तो इनकी होती है, किसकी? राणा सांगा की, और हार इनकी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा ग्वालियर की भी हमने बात करी थी कि इनके जो दादा थे वो ग्वालियर में ही मर गए थे, ग्वालियर के आसपास की बात चल रही है, लू खा के मर गए थे, फिर ये गले खराब होने से मर गए थे, और जीत तो पाए नहीं ग्वालियर, राजा मानसिंह हुआ कर रहे थे तब तक शासक। मानसिंह के बाद उनका बेटा जो है विक्रम सिंह आता है ना, विक्रम सिंह जो है उससे युद्ध करते हैं इब्राहिम लोदी, और विक्रम सिंह इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे तोमर वंश भी अधीन हो जाता है किसके? दिल्ली सल्तनत के। लेकिन राणा सांगा तो मान ही नहीं रहे थे और फोड़ फोड़ के भंवर फोड़ रहे थे। ठीक है, तो पहले तो भैया इनके चाचा आलम खां हो गए और दौलत खां हो गए, वो संग्राम सिंह यानी राणा सांगा की
दोस्ती करे हुए थे कि भैया ये हरा देगा, लेकिन फिर यार एक आँख तो पहले ही नहीं थी, एक पाँव भी नहीं था उसका, अब एक हाथ भी चला गया, तो अंधा लूला लंगड़ा काना ऐसा व्यक्ति था कौन, संग्राम सिंह। बाबर उसके इतना शक्तिशाली था कि नाम से कांप जाते थे लोग बाबू, ये बिल्कुल साफ सुथरी बात है ये, ठीक है। अंत में फिर इनके सैनिक ही इनको विष दे के ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये तो ख़त्म हो ही रहे थे, साथ में इनको दूसरे की सोच पड़ ही नहीं रही थी, ठीक है। सो संग्राम सिंह के साथ पहले ये रहते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि यार ये व्यक्ति अब कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये चले जाते हैं कहाँ, बाबर के पास, और बाबर से फिर युद्ध होता है, कौन सा, पानीपत का युद्ध होता है भैया, कब होगा, 1526 को अप्रैल में, अप्रैल को भी कब, 21 अप्रैल के दिन, और इनकी हो जाती है मृत्यु युद्ध क्षेत्र में, ठीक है। युद्ध क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति, और अपनी मृत्यु के साथ ही पूरा भारत देश, जो भारत या दिल्ली सल्तनत उस समय की थी, वो सौंप के चला जाता है बाबर को। एक सल्तनत ख़त्म हो जाती है, दूसरी सल्तनत चालू हो जाती है, दिल्ली सल्तनत ख़त्म, मुग़ल सल्तनत चालू, और संस्थापक बाबर। तो हम बात करेंगे मुग़ल सल्तनत की अगले वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।